मौलाना साहब इन बच्चों से जो है मोबाइल पर अश्लील फिल्में देखते थे, बच्चों को दिखाते थे, इनके साथ अश्लील हरकतें करते थे। जो एक बच्चा अभी इनके साथ अभी फ्रेश ही आया था, उसके साथ भी उन्होंने प्रयास किया था, जिस पर बच्चे ने जो है ये धमकी देते हुए कि मैं अपने परिजनों को बता दूंगा, तो उसमें ये कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन जो बच्चों के मुताबिक शाम के वक्त जब वो कैरम खेल रहे थे, तब बच्चों ने आपस में बतलाई, तो उनके दो भाई थे, तो छोटे भाई के साथ हरकत की जा चुकी थी, गलत सेक्सुअल अब्यूज किया जा चुका था, जिस पर उसने रोश में आकर उन्होंने प्लानिंग की कि बहुत हो गया, अब इसको जो है कहीं ना कहीं अंजाम देना पड़ेगा। प्लानिंग के तहत उन्होंने ये प्लान किया कि चूहे मारने की दवाई लें, नींद की गोली लें, बट उस दिन मौलाना साहब कहीं बाहर खाना खाकर आ गए, इसलिए खाने वाला प्लान तो उनका कैंसिल हो गया। तो उन्होंने बूंदी का रायता जो बना, उस रायते में नींद की गोली मिलाकर उनको दी, जिस पर कुछ बेचैनी उनको हुई, कुछ वॉमिटिंग की बात बता रहे हैं, लेकिन फिर वो कोई जलजीरा मंगवाया उन्होंने क्योंकि बेचैनी हो रही थी, और सो गए। रात को इन बच्चों ने अपनी प्लानिंग के मुताबिक खड़े हुए, जो डंडा था वही कैंपस में था, डंडे को जो है उन्होंने लिया, एक जो नेट बॉल आती क्रिकेट की जो रस्सी टाइप नेट टाइप होती है वो कलेक्ट की, और बच्चों ने जो है वो चोट भी पहुंचाई। जब मौलाना जी जब मोटे नींद में थे तो उनको दबाकर ओवर पावर कर कर रस्सी गले में बांध कर दो तरफ से बच्चों ने जोर से फेंक किया और इंश्योर किया कि उनकी मौलाना जी की डेथ हो गई है। उसके बाद उन्होंने मोबाइल को छुपाया, रस्सी को छुपाया, जो लकड़ी का डंडा जो बता रहे थे कि वो हमलावर मैदान में पटक गए थे, फिर हमने उसको जो है उठाकर दीवार पे रखा, वो भी वहां से बरामद हुआ। और कुछ अन्य साक्ष्य भी आए जिसमें सबूत मिटाने के उन्होंने प्रयास किए, जो मिटा नहीं पाए, वो हमारे फोटोग्राफ्स में रिकॉर्ड है। FSL की जो फाइंडिंग आई, वो फाइंडिंग भी हमारे इस कहानी को और मजबूती प्रदान करती है। जैसा आपको विदित है, 15 दिन पूर्व दिनांक 27/4/2024 को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें मोहम्मदी मस्जिद कंचन नगर अजमेर के इमाम साहब मौलाना मोहम्मद माहिर उम्र 32 वर्ष की किसी जो घटनाक्रम जैसा बताया गया कि रात के वक्त 3 हमलावर आए और कपड़े काले पहने हुए थे, ग्लव्स पहने हुए थे, और बच्चों को एक साइड में, जो बच्चे वहाँ उनके साथ रह रहे थे पढ़ रहे थे, उनको साइड में करके और उन्होंने डंडे से वार करके मौलाना साहब की हत्या कर दी, जिस पर उनके परिजनों को सूचित किया गया। और जो परिजन उनके मौलाना साहब के भाई हैं, परिवादी मोहम्मद तासीफ अशरफ, उन्होंने आकर रिपोर्ट दी, जिस पर मुकदमा 302 में दर्ज किया जाकर मौका ए वारदात पुलिस टीम द्वारा, एडिशनल SP द्वारा, महमूद स्वयं द्वारा भी देखा गया, कई एंगल कई पहलू उसमें वहाँ देखे गए, क्योंकि ये चश्मदीद गवाहों के मुताबिक 3 अनजान व्यक्ति थे, तो उनके बारे में जैसी बताई कहानी के मुताबिक पुलिस के द्वारा खोजबीन शुरू की गई, अलग अलग मोटिव के जो कारण होते हैं, जिनको नॉर्मली भाषा में अपने जर जरूर और जमीन कहते हैं, उन एंगल्स को लेकर अलग अलग जो 360 डिग्री थिंकिंग और 360 डिग्री प्रयास होते हैं, वो प्रयास टीम द्वारा किए जा रहे थे, लेकिन कहीं कोई कंक्रीट एविडेंस को लीड नहीं मिल पा रही थी। समय समय पर इस कमेटी द्वारा, जो टीम के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही थी, उसका विश्लेषण भी किया जा रहा था। 4 दिन पहले एक और विश्लेषण किया गया, उसमें बारीकी से एक एक घटना को बैठकर डिस्कस किया गया, जिसमें अलग अलग नाम आए, मस्जिद को लेकर भी कोई इशू आया,
अन्य कोई इशू भी आए, कुछ संदेहास्पद घटनाएं जो लगी, संदिग्ध लगे, उनसे जो पूछताछ हुई, उन पूछताछ के ऊपर भी विश्लेषण किया गया, तो ये लगा कि कहीं ना कहीं कड़ी टूट रही है, कड़ी में कोई ज्यादा बात आ नहीं रही। तो टीम के द्वारा एक विचार ये आया कि भी क्या पता शक जो पुलिस का एक बेसिक काम है ना, हर चीज पे करना चाहिए, हम परिवादी की बात को एज इट इज कैसे मान रहे हैं, क्यों ना एक बार इसको भी गहनता से जांच कर ली जाए। तो कुछ ऐसे साक्ष्य हमें नजर आए थे जो इनके द्वारा हमें बताए नहीं गए थे। मसलन चोट डंडे से मारना तो बताया था, लेकिन गला घोंट के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उससे गला घोंटने से उसकी मृत्यु होना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया था। एक बहुत बड़ा क्लू था जिसके बारे में कोई भी सेशनदीप नहीं बता रहा था। तो संदेह उत्पन्न हुआ, संदेह उत्पन्न होकर पुनः टीम गठित की गई, बच्चों को जो उनके अभिभावकों के साथ वापस बुलाया गया और मनोवैज्ञानिक तरीके से उनसे पूछताछ की गई, और जो हमारे सवाल थे उन सवालों को जब हमने हमारे हिसाब से उनको पुटअप किया तो अंततः बच्चों ने स्वीकार किया कि ये एक मर्डर उनके द्वारा किया गया। VK News, राष्ट्र के नाम।